इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। इलाहाबाद या प्रयागराज शहर का ये मैदान भारत के इतिहास और यहाँ तक कि इस शहर के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय का गवाह रहा है। क्या आपको पता है कि सन 1858 में अंग्रेजों के शासनकाल में इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था। ये घटना 1 नवंबर सन 1858 की है, जब लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया का मशहूर फरमान पढ़ा था, जिसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा हुई थी। ये ऐतिहासिक ऐलान इसी जगह हुआ था। बाद में इस मैदान को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने सन 1910 में एक पार्क में तब्दील कर दिया था और यहाँ संगमरमर का उद्घोषणा स्तंभ बना दिया गया था। आज मदन मोहन मालवीय पार्क के नाम से कहलाया जाने वाला मिंटो पार्क इलाहाबाद में अंग्रेजी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इलाहाबाद से अंग्रेजों का संबंध सन 1764 से शुरू हुआ था, जब मुगल और उनके सहयोगी ईस्ट इंडिया कंपनी से बक्सर की लड़ाई में हार गए थे। नतीजे में बादशाह शाह आलम द्वितीय को बंदी बनाकर इलाहाबाद किले में रखा गया था। उसके बाद कंपनी तथा मुगलों के बीच 1765 में संधि हुई। संधि के तहत इलाहाबाद अंग्रेजों को सौंप दिया गया। 18वीं सदी के आरंभिक सालों में इलाहाबाद ब्रिटिश शहर के रूप में उभरने लगा था। सन 1857 में इलाहाबाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में से एक था और उसके अगले साल यानी 1858 में ये नए युग के आरंभ का केंद्र भी बन गया। 1 नवंबर सन 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने इसी मैदान से क्वीन विक्टोरिया की प्रसिद्ध उद्घोषणा पढ़ी थी। बाद में ये मैदान मिंटो पार्क के रूप में विकसित हुआ। सन 1857 के दौरान लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और विद्रोह के बाद वो इलाहाबाद में ही रह गए थे। उद्घोषणा के अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हो गया था और भारत पर ब्रिटिश सम्राट का शासन हो गया, यानी क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बन गई और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बन गए। इलाहाबाद किले के पास स्थित इस मैदान में कभी इलाहाबाद सूबे की शाही मस्जिद भी हुआ करती थी, जो सन 1857 के गदर के बाद ध्वस्त हो गई। लेकिन करीब 5 दशकों के बाद सन 1910 में इस मैदान को एक खूबसूरत पार्क की शक्ल दे दी गई। सन 1905 में अर्ल ऑफ मिंटो को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वाइसरॉय बनाया गया। सन 1910 में मिंटो ने इस पार्क की बुनियाद डाली, जो मिंटो पार्क कहलाया गया। मिंटो ने यहाँ स्मारक बनाने का आदेश दिया, यहाँ संगमरमर का एक उद्घोषणा स्तंभ स्थापित करवाया गया, जिसका 4 शेर वाला शीर्ष अशोक स्तंभ जैसा बनाया गया। यहाँ क्वीन विक्टोरिया और किंग एडवर्ड द सेवेंथ की अर्ध प्रतिमाएं भी लगाई गईं। सन 1950 के दशक में मिंटो पार्क का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय पार्क कर दिया गया था। इसी दौरान इस पार्क की मरम्मत करवाई गई और इसे और सुंदर बनाया गया। इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना का एक महत्वपूर्ण गवाह है ये पार्क। ब्रिटिश दौर का ये स्मारक आज इलाहाबाद शहर में देखने लायक जगहों में से एक है।